पहले दिन जब मैंने कॉलेज स्ट्रीट में प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे आठ डेड बॉडी टांगे हुए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाहर एक बरगद की पेड़ है बस्तर में जो चल रहा है वो किस खूबसूरती से पूरे भारत से छुपाया गया है तो ये लेफ्टिस्टो से सीखने लायक है कि कैसे उन लोग बंद करके रखते हैं एक खबर आने नहीं देते है। ये उनकी मतलब बहुत बड़ा सक्सेस है कि इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह के भी वो अपना राज चलाते हैं और नहीं देते उन्होंने अपना भी उसको अगर आज मैं ये नैरेटिव पे फिल्में बना रहा हूँ तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि तू क्यों ऐसी फिल्में तू तो बहुत सच्चा आदमी है तू क्यों झूठी फिल्में बनाता है उनकी कहानियाँ वो बता रहे थे जैसे वो तो मेरे मन से कभी नहीं जाएगा वो दो दो दिन के लिए फीसद मैं बाथरूम नहीं जा वो की धमकी आती थी हम किसी थिएटर वाले को मना करते थे तो हमें बोलता था कि CM से फोन करवा दूंगा तुमको पिक्चर मुझे देनी पड़ेगी एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं पायरेटेड डीसीपी बनवा के पिक्चर चलाऊंगा लेकिन चला के रहूंगा कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि लोग एक फिल्म को चलाने के लिए इस कदर पागलपन पे उतर आए मैं जब केरला की उन लड़कियों से मिला तो मुझे एक विचार आया कि अगर मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा या मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो मैं क्या करूंगा मैं शायद जान ले लूं किसी की तो वो जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं रिलीज होना जरूरी था तो मैंने कहा जो हो जाए घर बिक जाए तो चलेगा लेकिन ये फिल्म बनाऊंगा फिल्म मेकर इतने अपोलॉजिटिक होते हैं ना शुरू में लिख दिया कि नोइंगली अनोइंगली वो जो डिस्कलेमर लिखते हैं ना किसी की दिल पर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है मेरा ए, एक वन पॉइंट एजेंडा होता है उसमें ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं भाई ये बोलेंगे कि मैं ठेस पहुंचाने के लिए ही बनाया कुछ लोगों को ठेस पहुंचेगा तब मेरी फिल्म का जार्डी सफल होगा सच हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना आप कितना भी चालाकी करो सच सच को तो छुपा नहीं पाओ हाँ, कुछ दिन बाद वो आएगा उस आज वो दस साल बाद वो सामने तो आएगा और वो आपका यू विल यू हैव टू पे फॉर दैट मैं चाहता हूं कि ये फिल्म भारत के युवा इसलिए देखें क्योंकि अगली बार जब कोई उन्हें आके ये एक लिबरल गुट्टी पिलाने की कोशिश करे तो उनके पास एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो जो अब तक नहीं था नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से और विशेषतः पिछले पाँच वर्षों में हमने एक इस तरह की लो बजट लेकिन हाई इम्पैक्ट फिल्मों का दौर देखा है और उनके विषयों को देखा है जिसे कोई छूने से भी डरता था और कहीं ना कहीं उनके एक्टर्स को उनके डायरेक्टर्स को फिल्म मेकर्स को जो भी निर्माता होते थे प्रोड्यूसर्स को उनको एक आउटकास्ट कर दिया जाता था इंटरनेट पे आप बराज ऑफ अब्यूजेज आप उनको मिलते हुए देखेंगे फिर एक फिल्म आती है कश्मीर फाइल्स के नाम से और उस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इम्पैक्ट इस तरह का रहता है कि लोग ये अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं ये फिल्म हमें हिट करवानी है उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं कि ये ना केवल बिज़नेस के, के हिसाब से अच्छा है बल्कि हम एक नई तरह की कहानी भी लाएंगे बॉलीवुड मूलतः वही गरीब बाप की बेटी और अमीर बाप का बेटा इस तरह के नौटंकी में लंबे समय तक उलझा रहा था इंडियन न्यू वेव भी जब आता है सेवेंटीज़ के दशक में तो हम देखते हैं कि सर्वहारा की क्रांति और इस तरह की जो टिपिकल वामपंथी विचारधारा है जिसमें एक तरह के लोग को एज्यूम कर लिया जाता है कि यही विक्टिम है और वही पर्पिट्रेटर है उसके लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है वो लगातार काल्पनिक पटकथाओं को लेकर के एक पूरा माहौल जो है गढ़ा गया उसको तोड़ते हुए पिछले पाँच सात वर्षों में इस तरह की फिल्में आई हैं जिसमें से अभी एक फिल्म आ रही है बस्तर जो माओवाद के ऊपर नक्सलवाड़ी आंदोलन और वहाँ से उठता है और कहाँ तक जाता है गढ़चिरौली हमने देखा दंतेवाड़ा हमने देखा सुकमा देखा एक के बाद एक मतलब दर्जनों हमारे जवान एक एक वायलेंट एक्ट में मरते रहे बलिदान होते रहे ऐसे विषय को चुनना और उस पर फिल्म बनाना आज के दौर में बहुत ही साहस का कार्य है इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ आज हमारे साथ बस्तर की टीम है विपुल जी हैं अदा जी हैं और सुदीप्तो जी हैं जो डायरेक्टर हैं आप तीनों से हम चर्चा करेंगे इस फिल्म के बारे में सबसे पहले सुदीप्तो जी आप डायरेक्टर हैं मैं पूछना चाहूँगा कि ये विषय जो है उसका फिल्म जो है उसका नाम आपने बस्तर क्यों रखा क्या एक जगह जो बहुत लंबे समय से प्रभावित रही है इससे इस कारण से या फिर आप विचारधारा को लेकर अगर चलते तो कुछ अलग तरह का नाम होता बस्तर ही नाम क्यों अजीत जी मेरा जन्म हुआ था नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी करके एक शहर है जी जी और उस शहर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है जिनका नाम है नक्सलवाड़ी इस नक्सलवाड़ी में उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो कम्युनिस्ट पार्टी दो भाग में बट गया था एक सीपीआई बन गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक बना था सीपीआई मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्टिस्ट लोग डेमोक्रेसी के रास्ते को बिल्कुल नकार दिया और बंदूक उठा लिए और उसमें चारू मुजुमदार थे उसमें जंगल सावतल थे शौरन बोश कानूशन नाल ये सब एक क्रांतिकारी बन गए और रेडिकल पिसन मूवमेंट नाम उनका पिसन मूवमेंट था क्योंकि उस समय पे उससे पहले से तेलंगाना में तिभागा मूवमेंट चल रहा था तो उन्हीं की रास्ता इन लोगों ने अपनाया और बंदूक उठा के चौदह अप्रैल नाइनटीन नक्शालबाड़ी की भरे मार्केट में छः जमींदारों को गोली मार के मार दिया जाता है यह था इनकी शुरुआत उसी एक साल बाद मेरा जन्म हुआ था तो मेरा मैं जब बड़ा होता गया और उस मूवमेंट का भी डेवलपमेंट होता गया उसके बाद ये पार्टी भी टूट गया उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बना एमसीसी बना सेकंड सेंट्रल कमेटी बना तो इस मूवमेंट में मेरी सगा दीदी इन्वॉल्व थे मेरा जीजा जी इन्वॉल्व थे मेरी भाई इन्वॉल्व थे मेरी कजिन सर इन्वॉल्व थे तो जब अब हिंदी में आपको आ, जो हिंदी की आ, महान लेखक जो है प्रेमचंद पढ़ना होता था लेकिन मेरे घर में हम मार्क्स पढ़ते थे लेनिन पढ़ते थे स्टालिन पढ़ते थे सात्रे पढ़ते थे तो Uh, एक इंटरेस्ट तो था इसमें uh, uh, एक एक एडिडल एक रश था रोज कहीं ना कहीं गोली चलता था लोग मरते थे मुझे याद है मैं हायर स्टडीज़ के लिए जब मैं कोलकाता आया पहले दिन जब मैंने कॉलेज स्ट्रीट में प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे डेड सात आठ डेड बॉडी टांगे हुए थे प्रेसिडेंसी uh, कॉलेज के बाहर एक uh, बरगद की पेड़ है उस पेड़ में तो मैंने इस मूवमेंट को बहुत ही नजदीक से देखा एकदम तो ऑर्गेनिकली आई 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 विटनेस दिस मूवमेंट हाउ इट हैज प्रोग्रेस्ड कैसे किसान से उस श्रमिकों को पूरे बंगाल की जूट मिल बंद हो गया कॉटन मिल सारे बंद हो गया सो एक एक करके मैंने ये देखता रहा और फैमिली भी इम्पैक्टेड थे तो नेचुरली घर में चर्चा भी हुई तो जंगल से जंगल से हमें मिला कि करीबन अट्ठारह से लेकर बाईस करोड़ एक डार्क इकोनॉमी पैरलली इंडियन इकोनॉमी के साथ चलता था जिसकी पैसा शेयर दिल्ली की टेलीविजन चैनल में न्यूज़पेपर में न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुँचते थे तो ये चल ये तो बहुत लंबा कहानी है तो जब मुझे फिल्म बनाने की मन हुआ आ, तब बस्तर था एपी सेंटर और पचपन साल की हिस्ट्री भी बनाना आसान काम नहीं था तो हमने रिसर्च के दौरान 2005 से लेकर 2007 से लेकर एक कोर्ट के हुआ था सलवाज के खिलाफ वहां से लेकर 2013 ये फेज लगा कि ये बस्तर की हिस्ट्री में एक ऐसा दौर है जिस दौर भारतीय राजनीति को भारतीय सोसाइटी को भारतीय पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट को हर किस्म से 360 डिग्री इन्फ्लुएंस कर रहा था डायरेक्टली तो हमने बस्तर की और छह सात साल चुना इसलिए नाम बस्तर अच्छा विपुल जी फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाना टिपिकल बॉलीवुड की रेसिपी से बाहर की चीज़ है बहुत रेयरली हम देखते हैं कि कम्प्लीटली एक लीड आपने लिया और फिर उसी पे फोकस्ड होके बना रहे हैं आपके लिए मतलब अभी देखा जाए तो केरल स्टोरी के बाद फिर इस फिल्म में भी अदा जी है और इसमें तो कहानी का अगर देखा जाए तो इसमें आप नायक भी रख सकते थे आप लोग तो इस फिल्म का जब रिसर्च कर रहे थे तो मैं जब जगदलपुर भी गया हमने देखा कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी सी, फोर्सेस हैं उनमें औरतें बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करती हैं मैं वहाँ एक लेडी ऑफिसर से मिला जिन्होंने सात महीने की प्रेगनेंसी तक अपनी ख़बर लोगों से छुपा के वो एक्चुअल ऑपरेशन और एनकाउंटर्स पे जाती थी अपने बॉसेस तक को नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है कलीग्स तक को नहीं बताया तो ऐसी ऐसी बहादुर लड़कियों से हम वहाँ मिले जो वहाँ की ऑफिसर्स हैं और आज भी जंगल के कौम, कौम जो एनकाउंटर ऑपरेशन होते हैं उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है तो हमें लगा कि ये जो स्त्री का एक यहाँ पे एक पावरफुल स्वरूप है उसको हम वहाँ पे बहुत सारे ज़बरदस्त ऑफिसर्स मेल ऑफिसर्स भी हैं उनसे भी हमने बहुत इंस्पिरेशन लिया लेकिन हमें लगा कि इसका सही रिप्रेजेंटेशन एक फीमेल कैरेक्टर होगा तो वो बहुत अच्छा भी लगेगा और अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई इंस्पेक्टर है तो वो मर्द ही होता है तो फिर लोगों की उम्मीद उससे एक अलग मतलब क्योंकि हमारे जब मेल हीरोज़ इंस्पेक्टर होते हैं तो एक कमर्शियल फिल्म में उनका एक प्रेजेंटेशन होता है तो आपको भी फिर उसी ढांचे को अगर आप तोड़ेंगे तो लोगों को निराशा भी हो सकती है तो हमें लगा कि एक फीमेल आर्टिस्ट के साथ अगर ये बनाया जाए और इसको ऐसे ही लिखा जाए और सुदीप तो दादा पहले दिन से क्लियर थे कि हम इसको फीमेल ही रखेंगे तो मुझे भी वो विचार बहुत अच्छा लगा और उन लड़कियों को मिलने के बाद तो मैं एकदम ही श्योर था दूसरा जो पहलू है बस्तर का वो भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बस्तर में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं वो औरतें हैं अब आप देखिए कि बस्तर में एक्चुअली होता क्या है बस्तर में अगर आपने भारत का झंडा फहराया तो उस पुरुष को वो उठा के मार देते हैं हमारी फिल्म में भी उसका एक एपिसोड है एक वो कहानी है कि 15 अगस्त में स्कूल पे झंडा फहराया तो उठा के ले गए हस्बैंड को और 32 टुकड़ों में काट दिया टीजर में ये जी, वाला दिया था जी बिल्कुल तो उस औरत का उसमें क्या कसूर है लेकिन वो सफ़र करती है एक रूल बना दिया नक्सलियों ने कि हर घर से एक बच्चा देना पड़ेगा और अगर बच्चा नहीं दोगे तो पूरे फैमिली को मार देंगे तो एक माँ को अपना बच्चा दे देना पड़ता है कैसे रहे एक माँ अपने बच्चों के बिना तो हमने देखा कि औरतें जो हैं बस्तर की अदा वहाँ स्कूल नहीं बनने देते वहाँ सड़कें नहीं बनने देते अस्पताल नहीं बनने देते नक्सली पीने का पानी की पाइपलाइन नहीं लगने देते मोबाइल टावर नहीं आता तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो माँ दुखी अस्पताल तो नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं है तो औरतें सफ़र कर रही हैं पीने का पानी नहीं औरतें तो औरतों की सफरिंग भी उतनी है और लड़ती भी उतनी है तो दोनों एंगल को मिला के हमें मुझे ये लगा कि एक औरत को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में रखना ये एक सबसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ की सिचुएशन का जी दोनों ही फिल्मों में जो केरल स्टोरी आपने की और इसमें दोनों में ही नारियाँ पीड़िता हैं जो ये भी बोल रहे थे और इंसिडेंटली मेरा वही क्वेश्चन ही था स्क्रीन पे हम कभी भी उन महिलाओं की पीड़ा नहीं देख पाते हैं समाचार में भी हम पढ़ते हैं इतने लोग मर गए चाहे नक्सली माओवादी मरे हों गांव वालों को मार दिया हो या फिर सेना के जवानों की हत्या की और सैनिक बलों की हत्या की हो तो इसमें एक में आप जो है स्वयं पीड़िता थी केरल स्टोरी में इसमें आप योद्धा बनके और एक उसमें लाइन भी आता है आपके ट्रेलर में वो लाइन भी है कि इतिहास भी या देवता भी शायद सबसे जो उनका बड़ा योद्धा होता है उनको सबसे बड़े चैलेंज के लिए चुनता है इस दोनों के मनोवैज्ञानिक पहलू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या रहे आपके लिए एज एन एक्टर की आपने जो प्रिपरेशन इसके लिए किए तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दोनों के लिए अलग थे दोनों में चैलेंजेस है पर अलग अलग तरह के जैसे जब केरला स्टोरी कर रहे थे तो एटलीस्ट मैं um, उसकी पीड़ा समझ सकती थी बिकॉज मैं भी एक लड़की हूँ आई एम वेरी क्लोज़ टू माई ग्रैंड मदर एंड माई मदर तो वो समझना ईजी था वो करना कोर्स वो काफ़ी पोर्शन थे जो मुश्किल थे बट एटलीस्ट वो साइकोलॉजिकली समझना कि ये वर्ल्ड समझना ईज़ी था जब विपुल सर सुदीप्तो सर ने मुझे ये ऑफ़र किया आई थाट कितने कूल हैं कि मुझे जो सेम लड़की उन्होंने एक साल भी नहीं हुआ केरला स्टोरी mm -hmm. से एंड जो सेम लड़की को उन्होंने विक्टिम बनाया है इसमें वो आ, लीडर बना रहे हैं जो वॉर लीड कर रही है तो आई थॉट उनका ट्रस्ट अब उनके उनको अपने आप पे और मुझ पे भी इतना है कि यू नो ऐसी फिल्म के साथ ट्रस्ट किया बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू सेट कि आई थिंक ये फिल्म के बाद इट वॉन्ट बी लाइक यू नो फीमेल फिल्म मेल फिल्म भी, भी। mm -hmm. हम लोग डिस्क्रिमिनेट करके यू you नो know, देख की फीमेल फिल्म हैं और मेल फिल्म आई थिंक ये एक फिल्म ऐसी है कि अब जेंडर सबका भूल बतौँ। भूल जाओगे कि वो मेल थी फीमेल थी ये बिकॉज हमारे रोल्स जो है स्पेशली uh, महिलाओं के इसमें जैसे मैं यू नो वॉर्ड लीड कर रही हूँ इंदिरा तिवारी है जो वो माँ बनी है वहाँ पे जो ट्राइबल uh, है उनके हस्बैंड को वो टुकड़ों में काट के देव दे गिवन बनहा जो वामपंथियों की जो लॉयर है वो शिल्पा शुक्ला है एंड वो भी फैबुलस है तो आई uh, थिंक हर इसमें uh, इतने अफकोर्स मेल कैरेक्टर्स भी है जो बहुत स्ट्रांग हैं बट आई थिंक इक्वल वेटेज में सबको अपने रोल्स कर रहे हैं इतना यू uh, नो you know, वो एनसॉम्बल जब आप कर रहे हो और सब ने अपना काम इतने अच्छे से किया है तो जब फिल्म आप देखते हो तो बहुत होल लगता है कभी कभी सिर्फ एक कैरेक्टर को यू you नो know, लोग डिफाइंड करते हैं बाकी के देश हाँ ठीक है ठीक है दिस इज़ बट यहाँ पर हर कोई यू नो इवन कोई हाँ। दो सीन के लिए आ रहा है आप एंड में आप यू you नो know, याद करोगे बी लाइक दैट पर्सन वो क्या काम किया उन्होंने तो so, उनके साथ काम करना आई थिंक आई थिंक बस्तर विल चेंज थिंग्स इन द फिल्म फिल्म इंडस्ट्री यू नो पीपल से मेल नहीं वो वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि फीमेल्स हमेशा ही इग्नोर की गई हैं फीमेल कास्ट हमेशा मतलब हम परसेंटेज ऑफ डायलॉग्स देख लें कितना टाइम उन्हें स्क्रीन पे मिला और वो उस टाइम में भी वो कर क्या रही हैं आप कंसर्न है कि नहीं मैंने न्यूयॉर्क की सर्दी में मैंने उसको रानी को लाल रंग के छतरियों में नचवा दिया यह आपका अचीवमेंट है अगर एक मतलब फिल्म मेकर तौर पे तो लानत है बहुत सारी कहानियाँ हैं मतलब वीरांगनाओं की स्टोरी ले लीजिए डे टू डे लाइफ में यार मतलब उधर के लोग बना रहे हैं कि कैसे नासा ने तीन ब्लैक फीमेल कोडर्स थी उन्होंने भेजा वो किया और इस तरह के एक एक जो उनके हीरोज हैं उनको वो प्रोजेक्ट करते हैं और हीरोज ही बोलते हैं यहाँ आपको हीरो को शीरो बनाना पड़ता है उसके बाद आपको खोजना पड़ता है कि नहीं यार रानी लक्ष्मी बाई पे हम बनाएंगे तब कहते हैं कि हाँ उसमें तो आप पुरुष को कास्ट ही नहीं कर सकते इनका बस चले तो पुरुष को ही कास्ट कर दें उसमें इनका ही इस कारण से मैं आ, कह रहा था आप वो एक बात जो आपने अभी कही ना कि आप उस लाइफ के बारे में जानती नहीं है कुछ बताइए आपके इंटरेक्शंस जो हुए हों लोगों के साथ जो आपको कंप्लीटली शॉकिंग हो न्यूज़ तो हम सब सुनते हैं लेकिन कहानियाँ हम नहीं जानते हैं कि किसी को चॉप करके फेंक देना और या जैसे कश्मीर फाइल्स की फिर मैं बात करूँ कि हमने कभी सोचा नहीं था कि यार चावल के उसमें और खून निकल रहा है और उसको खिलाया जा रहा है ये मरीझांपी में भी हुआ था उधर भी हुआ था इस तरह की कोई घटना रिसर्च के दौरान यू you नो know, आप कहते हो कि like, news सुनते uh, हैं और वो भी हम लोग नहीं करते हैं कभी-कभी इसे तो नहीं हो रहा है इतना अधिक होता है इस कारण भी फर्क नहीं पड़ता हाँ, हमारा तो कोई नहीं है बिकॉज mm -hmm. वो कोई और है जो बस्तर में बस्तर कहाँ है मुझे नहीं पता मैं तो अपने घर में हूँ मेरे घर में शांति है मैं खुश हूँ और मेरे लोग सब ठीक है तो जब तक आई थिंक इट कम्स क्लोजर टू यू बस्तर हमारे कंट्री का पार्ट है है अगर ये ये हो रहा है बस्तर में spread like a disease. तो नहीं में तो ये एक, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये मुझे रियलाइज हुई कि बस्तर में जो चल रहा है वो किस खूबसूरती से पूरे भारत से छुपाया गया है आज जब मैं जब मैं लोगों को मेरे दोस्तों को कहता था कि मैं अगली फिल्म जो बना रहा हूँ उसका नाम बस्तर है तो बहुत सारे लोग पूछते थे वो क्या है बस्तर क्या होता है इसका मतलब क्या है फिर मैं कहता था कि बस्तर द नक्सल स्टोरी अच्छा नक्सलियों के ऊपर पर बस्तर क्यों भाई बस्तर हमारे देश का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़ में है अच्छा अच्छा होगा नक्सलवाद तो फिर भी लोगों को समझ में आता है लेकिन बस्तर नहीं समझ में आता क्या है बा, ये बा, की हम कितना भी गाली दे दे ये उनसे सिक्नल क्लॉक चाइना में आप कितने बड़े शहर है डेढ़ सौ कोटी लोग है डेढ़ सौ करोड़ लोग में दो शहर का नाम आप जानते होंगे तीन गोंगोंग बेजिंग और, और चार पांच शहरों के बाकी शहरों में क्या होता है कोई नहीं कोई जानता नहीं। है। नहीं। ये नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता हमें आप दिन में कितने बार हंसेंगे वो भी बोल दिया गया आप पांच बार से ज्यादा नहीं हंस सकते तो ये लेफ्टिस्टो से सीखने लायक है कि कैसे उन लोग बंद करके रखते हैं एक खबर आने नहीं देते हैं ये उनकी मतलब बहुत बड़ा सक्सेस है कि इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह के भी वो अपना राज चलाते हैं और हिल नहीं देते आप बस्तर में घुसने के बाद आप जब कांकेर क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि आप उनके राज्य में उनके एरिया में है मतलब उसके लिए किसी को बोल नहीं पाएंगे आप फील कर सकते हैं हम मैं बार बार जाता हूं तो मुझे मालूम है आपको हमेशा लगेगा कि दो आंख आपको ढूंढ रहा है सर आ, हमने देखा है कि बॉलीवुड में एक गिरोह है जो और हम अभी प्री चैट में चर्चा भी कर रहे थे कि आउटकास्ट कर देता है आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलेंगे आर्टिस्ट आपको रिफ्यूज़ करेंगे कुछ आउटराइटली रिफ्यूज़ करेंगे कुछ ऐसी कहानियों को भी जो मुझे लगता है कि भारत में जिसकी यूनिवर्सल अपील होनी चाहिए क्योंकि भारत की कई समस्याओं की जड़ में केवल और केवल वामपंथ है उसके बाद भी दे डोंट फील लाइक अ पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स तो इसका मतलब पिंच आपको झेलना पड़ा क्या इसका दंश आ अभी तक नहीं क्योंकि केरला के स्टोरी के नौ महीने के अंदर यह फिल्म बन गई हाँ। तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी इनफैक्ट मैं मेरी एक मैं एक फिल्म जो खुद डायरेक्ट करने वाला था तो जब ये तय हुआ कि अभी पहले बस्तर बनानी है तो मैंने वो पीछे डाल दी बिकॉज ये फिल्में जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड करती हैं ये आसान फिल्म नहीं है किसी भी अंदाज से अब आगे चल के मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि क्या देखिए एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है जो मुझे हमेशा लगा है कि उन्होंने अपना नेरेटिव वो कितना भी भयंकर हो उसको इतना सुनहरा बना के लोगों को पिला दिया है कि हमारे आर्ट वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग उस नैरेटिव में बिलीव करते हैं काउंटर नैरेटिव की जगह बहुत कम बची है अगर आज मैं ये नैरेटिव पे फिल्में बना रहा हूँ तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि तू क्यों ऐसी फिल्में तू तो बहुत सच्चा आदमी है तू क्यों झूठी फिल्में बनाता है तो हम जब ये बात बोलते हैं तो हम झूठे होते हैं अब देखिए एक केरला स्टोरी में एक बड़ा आक्षेप लगा बत्तीस हज़ार का नंबर कहाँ से आया बत्तीस हज़ार का नंबर कहाँ से आया वगैरह वगैरह छः जून को पाँच हाँ। अब बात करना पड़ेगा पाँच में हमारी फिल्म रिलीज हुई थी हमने एक महीना चलने दिया हमें बत्तीस हज़ार का नंबर डे वन से था लेकिन हमने दिए नहीं तो हमने बत्तीस हजार पे मैंने और दादा ने एक वीडियो बनाया हर आंकड़ा गिनवाया कि ये बत्तीस हजार का नंबर कहाँ से आया सत्रह मिनट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नामों के साथ और फिर हमने मीडिया चैनल्स को फोन किया कि आपने इस पर इस फिल्म के बहुत डिबेट किए बहुत सपोर्ट किया तो प्लीज ये वीडियो के ऊपर एक डिबेट जरूर करिए क्योंकि देश को पता चलना चाहिए कि यह समस्या बहुत बड़ी है उन्होंने कहा कि देखिए करते हैं लेकिन हमें पहले बात दूसरी पक्ष के कोई तो आए बात करने कोई बात करने ही नहीं आया तो वो वीडियो साइलेंट चला गया किसी को पता ही नहीं है तो उनका जो नेरेटिव है कि बत्तीस वाला आंकड़ा झूठा है वो आज भी मेरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मानते हैं तो हमने भी एक मिशन बना लिया है कि हम हर जब मुझे कोई पूछता है मैं बोलता हूँ पांच मिनट रुको ये लो वीडियो और देखो तो हमें करना पड़ रहा है लेकिन उनके नैरेटिव को उन्होंने इतना स्ट्रांगली वीव किया हुआ है कि हमारे नैरेटिव को स्ट्रगल करनी पड़ रही है उसको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री भी उससे काफ़ी हद तक प्रभावित है और मुझे लगता है कि काफी वक्त लगेगा एक लोगों को ये सच्चाई दिखाने के लिए अभी मैं आपको आज ही मुझे किसी ने एक मीम भेजा है हमारे एक नेता हैं और हमारे एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब पे अब तो है न्यूज चैनल से यूट्यूब पे आए हुए जर्नलिस्ट हैं वो दोनों बैठ के नक्सली कितने इनोसेंट हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि नक्सलियों को शहीद कहा जाना चाहिए तो ये नैरेटिव अब जब ये अगर ये नैरेटिव आपने लोगों के गले के नीचे 10, 20, 25 सालों से उतारा हुआ है तो जब हमारी फिल्म आएगी तो शायद हो सकता है कि लोग बोलें कि देखो ये तुम्हारा तो नैरेटिव झूठा है तुम तो बिना वजह नक्सलियों को गालियाँ दे रहे हो हालांकि एक बात ज़रूर हुई है जो मैं जिस बात से मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ है लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारी एक जीत भी हुई है इस बार देखिए हमारे ट्रेलर के आने के बाद कोई विरोध नहीं हुआ किसी ने हमें झूठा प्रोपोगेंडा फिल्म वो कहीं शुरू नहीं हुआ है अब तक तो हम लोग भी बैठ के डिबेट कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ कि हम जब इतना खुल के उनके ऊपर बातें बोल रहे हैं सच्चाई ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद ये होता है ना कि आपके पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है आप तथ्यों पे हमारे साथ लड़ नहीं सकते तो आपने सोच लिया है कि हम चुप रहते हैं और जाने देते हैं इस फिल्म को ऐसे भी ये दो चार ही तो पागल लोग हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं लेकिन हमने उनकी बोलती तो बंद करके रखी हुई है बहत्तर घंटों से भिल्कुल, भिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में अचीवमेंट होना चाहिए हमारी एक नैरेटिव का जो काउंटर नैरेटिव टू द वामपंथी नैरेटिव है अदा जी इंटरनेट पे तो आप पे बहुत सारे विषैले प्रहार हुए हैं जो हम लोगों ने भी देखे हैं क्या मतलब रियल वर्ल्ड में भी आपके अपने जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं या फिर कलीग्स हैं सहकर्मी जो आपके साथ पहले काम करते थे या उसी क्षेत्र के लोग हैं क्या कुछ उस तरह के विस्पर्स या इस तरह का आपको झेलना पड़ा है नहीं मैं ऐसे हूँ कि मैं झेलूंगी नहीं अगर मुझे नहीं। किसी से प्रॉब्लम है तो मैं इंटरेक्ट नहीं करूँगी उनसे एंड आई थिंक पता चलता है कि कोई फेक बन रहा है या रियल बन रहा है मैं इतने लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करती हूं वैसे टू बी पहले से ही, केरला स्टोरी के पहले तो मेरे, मेरे अब अब अच्छा। क्लोज थी या कुछ तो ऐसे को, कोई बात नहीं सुदीप तो जी आपने ये विषय चुना इससे पहले लव जिहाद वाला था दोनों ही नोगो जो से लगभग और आपके लिए कमर्शियल सक्सेस भी पहली जो है इससे मिलती है तो ये आपने मतलब नक्सलियों पे अगर मतलब फिल्म भी देखा जाए तो हम हजारों ख्वाशें ऐसी या इस तरह उसमें भी खैर दिखाया तो बढ़िया ही था कि किस तरह से लास्ट में वो नक्सली डिजर्ट करके भाग जाता है कि मैंने का करेक्टर वो अपने बाप की जो है बढ़िया जीवन वो जीता है लेकिन बाकी टाइम हमेशा हमने देखा जो हम न्यू वेव की भी बात कर रहे थे उसमें भी हमेशा कि नहीं ये गरीब हैं सरहारा की लड़ाई क्रांति आएगी और उसके दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है कि आपने मतलब लगातार बैक टू बैक जो नोगो जोन्स हैं उसमें जाने का आपने नहीं ये मेरा इंटरेस्ट इसलिए था कि बचपन से ही मैं ना जिस तरह की काम कर रहा था मतलब बचपन से क्या जब मैंने डिसाइड किया मैंने फिल्म बनाऊंगा तब से लेके आज तक मैंने खूब सारे एडवेंचर की मैंने हिमालय घूमा जंगलों में घूमा समुंदर में एडवेंचर की तो मुझे ये महसूस होता था कि देश में एक मेजोरिटी पॉपुलेशन है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करता है आ, गरीब है या क्या राइट शब्द होगा मालूम नहीं लेकिन ऑपरेशन की एक जो सिलसिला हमारी सोसाइटी में है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था मुझे उनकी भाषा बोलना था तो मेरे कई सारे शुरू से जो जो भी फिल्म मैंने बनाया डॉक्यूमेंट्री की मैंने खूब सारे डॉक्यूमेंट्री की लाइफ में पहले भी जो फिल्म बनाए मुझे उस उनकी भाषा बनना उनकी आवाज़ बनने में एक अच्छा लगता है और आ, केरला मतलब के, केरला स्टोरी की जो शुरुआत थी वो एक्सीडेंटल था मतलब आई वॉज हैपन्स टू बी देयर इन मतलब त्रिवेंद्रम में थे एक लड़की का इंसिडेंट हुई थी और उस इंसिडेंट्स मुझे इतना अंदर से रिस्पॉन्सिबुल कर दिया था कि मुझे उसको चेस करना पड़ा चेस करते करते मुझे समझ में आया कि ये कोई एक दो छुट छुटमुट घटना नहीं है ये एक बहुत बड़ा साजिश की तहत ये होए जा रहा है तो मैं उसको और ध्यान से उसकी रिसर्च करने लगे और मैंने माओइस्टों की प्रॉब्लम मैंने जैसे बोला मतलब मैं उसके साथ बड़ा हुआ मुझे शायद और भी दो तीन फिल्म बनाना पड़ेगा ये माउइ ये माओइस्टों के ऊपर तब जाके मेरी अंदर की भूख तो मिटेगा क्योंकि मुझे और भी कुछ बोलना है इन लोगों के ऊपर विपुल जी कश्मीर फाइल्स ने हमें ये दिखाया कि कंटेंट यदि प्रभावी हो तो लोग आते हैं आपने केरला स्टोरी में भी लगभग सफलता की वही मतलब आप कह सकते हैं कि सेम पैटर्न जो है स्थापित हुआ आप चर्चा भी कर रहे थे मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को वो बात भी बताएं कि किस तरह से आपने जो सोचा था केरल स्टोरी को लेकर ये कितने पे हम रिलीज करेंगे फिर वो कैसे गया और फिर उसके बाद हमें बताइए कि अभी जो बस्तर आ रही है उसके क्या प्लान है उसका रिलीज का क्या है कितने जगह पे होगी और कैसे देखिए केरल स्टोरी में ये हुआ था कि हमने सोचा था कि हम 600 सौ प्रिंट से रिलीज़ करेंगे आ, एक कंटेंट फिल्म है बहुत बड़े मास रिलीज़ ना करके एक रिस्ट्रिक्टेड रिलीज़ करें लेकिन इतना डिमांड बढ़ते चली गई कि जब रिलीज़ का दिन आया तो हम हज़ार प्रिंट पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे हज़ार प्रिंट का संडे आते आते 1800 प्रिंट हो गए थे और दूसरे वीक में तीन हज़ार थिएटर पे चली गई पिक्चर हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई मैं आपको जैसे अभी हम इस पर हंस रहे थे कि हमें तरह तरह की धमकी आती थी हम किसी थिएटर वाले को मना करते थे तो वो हमें बोलता था कि सीएम से फ़ोन करवा दूंगा तुमको पिक्चर मुझे देनी पड़ेगी एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं पायरेटेड डीसीपी बनवा के पिक्चर चलाऊंगा लेकिन चला के रहूंगा तो कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि लोग एक फ़िल्म को चलाने के लिए इस कदर पागलपन पे उतर आएँ अच्छा भी लगता था और हंसते भी थे और कभी कभी बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती थी क्योंकि आपको लगता है कि वो थिएटर अच्छा नहीं है मुझे वहाँ फ़िल्म नहीं चलानी है प्रोजेक्शन नहीं है ठीक एसी नहीं है साउंड अच्छा नहीं है मेरी फिल्म मैं खुद ही वहाँ नहीं देख पाऊँगा पर उनको चाहिए थी और फिर हमें लगा कि अच्छा चलो देश के लोग देख रहे हैं तो देते जाओ तो हम देते चले गए इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक कंटेंट छोटी रिलीज से करें अब किस तरीके का रिस्पांस और प्रेशर आता है उसके हिसाब से देखेंगे पर अभी हमारा मानना है कि 800-900 हज़ार प्रिंट के आसपास ही रिलीज़ करेंगे ज़्यादा नहीं करेंगे फिर लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे थिएटर बढ़ाते जाएंगे अदाजी ट्रेलर में आपका एक संवाद है मंत्री से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप उसको मतलब यू लुक हिम स्ट्रेट इन द एंड यू से कि आप जिम्मेदार Who is responsible for all this? आप मिनिस्टर इस संवाद को डिलीवर करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन और जिस तरह से वो स्क्रीन पे आया है एक तो है कि सीधा बोल दे बट वो कन्विक्शन संभवतः ऐसे आता है कि आपने वास्तव में उन लोगों से आप मिली हैं आपने देखा है कि उनका जीवन कैसे पॉलिटिकल रीजन से इस स्थिति में इस गर्त में पहुंचा है तो जो आप कहते कहते रुक गई थी थोड़ी देर पहले उन कहानियों के बारे में बताइए कि आपका इंट्रैक्शन जो है इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के दौरान या अपनी तैयारी आप कर रही थी मोनोलॉग्स हैं ये फिल्म में एंड रियल लाइफ से काफी अलग है जैसे सुधी तो सर जब भी हम लोग वर्कशॉप्स भी कर रहे थे ही सेट कि आप बहुत पोलाइट हो रहे हो लाइफ में तो मुझे वर्कशॉप्स में और वॉइस मॉड्यूलेशन में ताकि मैं एकदम यू नो डोमिनेटिंग और पावरफुल आवाज़ में uh, उनसे सीधा लाइक like, यू उसे आँखों में आँखें डाल के बात करूँ जब हम इन लड़कियों से मिले एक चीज़ थी कि उनकी आँखों में ना एक फियरलेसनेस था लोग मुझे पूछते हैं फिल्म करने में आपको डर लगा पर लाइक like, फिल्म कर करते हम लोग तो टीम होती है जितनी भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं जो भी पर जब रियल लड़कियां वहाँ हैं जब रियल लाइफ में आप वो और कहीं से भी गोली लग सकती है आपको तीन चार दिन के लिए लगातार आप जंगल में हो बिना ब्रेक के आप सोए नहीं हो यहाँ एक रात हम लोग ठीक से नहीं सोते हैं तो नेक्स्ट डे यू ही फील है अरे नींद पूरी नहीं हुई वहाँ सोते नहीं हैं पूरे नदियों को पार करके गीले कपड़ों में पेड़ के पीछे यहाँ यू नो वो सूखे पत्तों पे वो पैर भी लगाएंगे तो आवाज़ आएगा किसी को सुनाई देगा एंड शूट देम डेड और ट्रिगर पे वो हाथ रेडी रखते हैं दे जैसे यूजली हम ट्रिगर पर नहीं रखते हैं वेन वी आर वॉकिंग वे वॉकिंग लाइक दिस एंड देन दे से ट्रिगर पे ही रखते हैं और इतना अलर्ट और फोकस्ड रहना पड़ता है और तब एक सीन है वो सीन से पहले जहाँ पे नीरजा माधवन ऑलमोस्ट भीख मांग रही है बैकअप के लिए एंड शी नोज कि वो जवान्स की लाइफ खतरे में है and वो भीख मांग रही है एंड शी सिंह प्लीज सेंड प्लीज़ सेंड पर वो नहीं भेज रहे हैं वो एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ बना रहे है कि वीक एंड है और, आ, कुछ और घंटों का ये चीजेंस पर वो मर जाएंगे और वो सेवेंटी सिक्स जमानस तो उसके बाद उसके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है और आ, एक भी और बहुत अच्छी चीज़ थी ये मूवी में यूजली आप अपने प्रोटैगनिस्ट को दिखाते हो कि वो लड़ रहा है एंड वो अपोजिशन और कमज़ोर हो रहा है एंड पर्सन इज़ गेटिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रांगर आपके जो हीरो हैं जो मेन पर्सन है यहाँ पे वो लड़ रही है बहुत अच्छी तरीके से पर वो ऑपोजिशन जो है वो और स्ट्रांग हो रहा है वो हार जाती है वो फिर से लड़ती है वो और स्ट्रांग होते है वो फिर से हार जाती है और वो हारती जाती है हारती जाती है पर फिर भी फिर भी लड़ती है वो रुकती नहीं है एंड वो ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग होता है लाइक एंड तक यू कैन सी इट्स लाइक टू पीपल फाइटिंग अगेंस्ट एवरीबडी तो वो जब फीलिंग आती है इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना गुस्सा मुझे तो आया जब मैंने फ़िल्म देखा भी बिकॉज यू फील इतना अनफेयर है क्यों कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा है तो वो वाली फीलिंग एंड अनिजा माधवन बहुत ही मुफट और ऑनेस्ट और देश के लिए अपना लाइफ सैक्रीफाइस करने वाली महिला है जैसे वो सी आर पी एफ लड़की है वही कोई भी ऑनेस्ट रहेगा और जिसको हर दिन ये झेलना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि वो कन्विक्शन आएगा ही क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो नौकरीज निकाल दोगे उसको एक्जेक्टली लेकिन उसके लिए तो डेथ हर दिन जब भी वो कदम बढ़ाती है तो आप ये फिल्म की एंड तक देखेंगे निर्जा माधवन की जो कैरेक्टर है हाउ इट शेप्स अप इट्स अल्टीमेट डिस्परेशन तक पहुंचते हैं इस करेक्टर को हमने बहुत प्यार से विपुल जी मैं हमारी और एक राइटर था ये करेक्टर को ऑलमोस्ट लाइक like हमने स्कल्पटिंग किए हैं ये करेक्टर को शेप अप करने के लिए और आई थिंक एक और चीज़ है कि बहुत रियल रखा लाइक भी। जैसे मैं बोल रही हूँ ना आप दिखाते हो कि उसके लिए और फ्रस्ट्रेशन लगेगा जी एक निर्देशक के पास इस तरह के निशंसता को दिखाने के कई रास्ते होते हैं टीवी पे चला दिया छिहत्तर लोग मारे गए अखबार में हमने पढ़ लिया या दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं रेडियो पे कुछ चला के इस तरह से निर्देशक बचते रहे हैं यहाँ पे आपने पॉइंट ब्लैंक उसके मतलब बैक ऑफ हेड में ये मारते हुए आपने आ, मतलब दिखा आपको लगा नहीं कि बॉलीवुड की सॉफ्ट सेंसिबिलिटी जो ऑफेंड हो जाएंगे नो, इससे। मतलब ये इस मामले में मैं कभी कभी विपुल जी के साथ भी लड़ लेता हूँ मुझे तो सिनेमा आम जो भारतीय सिनेमा आता है ना वो फिल्म मेकर इतने अपोलोजिटिक होते हैं ना शुरू में ही लिख दिया कि नोइंगली ना किसी की दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है और क्या क्या, क्या 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 लिखते है ना कि अगर हुआ तो माफी मांगते हैं uh -huh. मेरी फिल्म मेरा ए, एक एजेंडा होता है उसमें ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं भाई ये बोलेंगे कि मैं ठेस पहुंचाने के लिए ही बनाया uh -huh. कुछ लोगों को ठेस पहुंचेगा तब मेरी फिल्म का जार्डी सफल होगा uh -huh. तो एक नंबर वन सच को सच की तरह ही बोलना चाहिए जो नहीं बोलेंगे तो वो हिपोक्रेसी होगा मुझे वो हिपोक्रेसी करना आता नहीं है मुझे मैं झूठ बोलता हूं झूठ बोलूंगा तो मैं गर्लफ्रेंड को झूठ बोलूंगा या घर वाले को बोलूंगा मैं मेरी कला में कोई आर्ट में कभी कोई झूठ नहीं बोलूंगा ये मेरा कन्विक्शन है आप, आ, आप रहा, आ, आ, सच बोलने के लिए छिहत्तर जवानों की करने के लिए ऑनेस्टली हमने छिहत्तर लोगों को मारा नहीं, नहीं। पचपन या छप्पन लोगों को मारा फिल्म में शूटिंग में छप्पन लोगों को मारा तो क्योंकि छिहत्तर लोगों को मारते जो टमेटला वाले जो कहानी है ना जहाँ पे ये कहानी हुई थी वो इतना क्रैम्प्ड जंगल था जहाँ पे जो लोग हमारे हमें वो, उसकी कहानी बताए थे जो आई विटनेस था कि डेड बॉडी रखने की जगह नहीं था तो दो पैरों के बीच में डेड बॉडी एक के ऊपर एक रखा गया था तो वो फिल्माने के लिए प्रॉब्लम था तो हमने ऐसा एक क्रैम्प्ड जगह क्रिएट किए और बहुत ही क्रैम्प्ड डेड बॉडी रखा फिर भी हमने छिहत्तर बॉडी रख नहीं पाता अगर रख पाते तो मैं छिहत्तर बॉडी रखता नहीं तो वो दर्द आप जिंदा बॉडी तो आप मरते हुए नहीं देखेंगे तो हमने पूरे सीन को ऐसे डेवलप किए कि लोगों को उस माओ को उस सैनिकों को उनकी दर्द की एक हिस्सा पहुँचे बारह साल बाद चौदह साल बाद कोई उसको याद कर रहा है और वो याद ऐसा होना चाहिए ताकि उसको नजदीक पहुंचे आप हम वो दर्द को नहीं समझा पाएंगे मतलब एक कहावत है ना कि आ, 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 क्या बोलते हैं उसको आ, स्ट्रेंजर देन फिक्शन रियलिटी देन, देन फिक्शन मेरा ये कहना है कि हम जब ट्रूथ को डिपिक्ट करेंगे ना उसके इतना स्ट्रेंथ होता है आपके अंदर एक एड्रीडन रश झूठे झेल रश नहीं होता एकदम रियल होता है उसके लिए आपको बार बार वो आपको आपकी लिमिट को पुश करते रहते हैं कि आप और नजदीक पहुंचो सच्चाई की तो यहां पे, ए, में हमने तो किया ही है इसलिए कोर्ट जो भी बोले जो हमने डिस्क्लेमर बदलना पड़ा कुछ भी बोले एक चीज की विक्ट्री हमारी ये है कि सेंसर बोर्ड एक भी शॉर्ट नहीं काटा हमारा वो हमारी विक्ट्री है क्योंकि हमने एक एक शब्द को एक एक सेंटेंस की एक एक सीन की प्रूफ दिया था और इस बार भी वैसे ही किए जितने कहानियां हमने बोले वो सात आठ साल की वी स्टैंड बाय एवरी वर्ड स्पोकन इन द फिल्म तो मुझे लगता है इसमें एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी की मजा आता है मैं और बोलना चाहूंगा आगा। आगा। और सच को सामने लेके रहूंगा आपने जो बोला ना वही कि जब आप इस तरह का ब्रूटल डिपिक्शन करते हैं इन द फेस एकदम तो लोगों को पता लगता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी रही होगी जब वंदामा नरसंगार कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कि ग्रेव के ऊपर रख के और उसको भी मारा या गिरजा टीकू को जो आड़ी में चीरा जाता है वो वो जब देखते हैं तब लोग सर्च करने जाते हैं कि यार ये क्या वाकई में ऐसे exactly. ही हुआ था तो दे फील सम काइंड ऑफ मतलब उससे जुड़ाव महसूस करते हैं और उसका पेन का एक हिस्सा जो है सच मतलब हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना आप कितना भी चलाकी करो सच को तो छुपा नहीं पाओ हाँ, कुछ दिन बाद वो आएगा उस आज वो दस साल बाद वो सामने तो आएगा और वो आपका यू विल यू हैव टू पे फॉर दैट तो मुझे ये लगता है कि जैसे विपुल जी बोलते हैं शायद वी आर चूजन वन फॉर टेलिंग दिस ट्रूथ सर वामपंथी कुचक्र के मतलब कई आयाम हैं मैनी डायमेंशनस हैं इसमें आप सर्वहारा की लड़ाई के नाम पर महिलाओं को सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट करना जिस बस्तर पे आपने फिल्म बनाई वहीं से इस तरह की भी कहानियाँ जो एक दो सर्वाइवर्स हैं ना उन्होंने बताया कि यार ये हमें सब्ज बाग तो जे में बहुत अच्छा दिखाते हैं जब हम एक्चुअल में वहाँ जाते हैं तो फीमेल की दुर्गति मतलब वामपंथी फीमेल कार्डर की वही है कि आपका एक ही पर्पस है दैट्स इट कि आपको आए डेली आपको राउंड दे तो क्या इन आस्पेक्ट्स को भी टच किया गया इस फिल्म बिल्कुल हमने आ... जो ये जो काडर्स के साथ जो बहुत ही ज़्यादा फीमेल काडर्स के साथ उस एस्पेक्ट पे हमने ज़्यादा इसमें नहीं गए हैं क्योंकि एक दो घंटे की फ़िल्म के अंदर पचपन साल की हिस्ट्री का एक रिफ़्लेक्शन देना और उसका एक्चुअली जो सबसे बड़ा एंगल था कि कितना हमारे भारत देश के लिए ये पूरा नक्सलवाद देखिए लगता क्या है क्या ये तो बस्तर का इशू है ना लेकिन ये एक्चुअली बस्तर का इशू नहीं है एन की रिपोर्ट है कि नक्सलवाद की वजह से भारत को तीन ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी हो चुका है अब अगर नहीं हुआ होता और वो तीन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में आए होते तो शायद शायद आज हमारी इकोनॉमी जहाँ है उससे और भी आगे होती आज भारत का युवा बहुत एम्बिशियस है वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है लेकिन अगर ये जो शहरों में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स और नक्सली मिलके अगर भारत को तोड़ देंगे तो इकोनॉमी टूटेगी तो हमारे युवा का सपना भी तो टूटेगा तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम पहले तो भारत को पूरे देश की ऑडियंस को ये बताएं कि ये समस्या जो है ये आपकी ज़िंदगी पे भी इसका असर आएगा आप इंसुलेटेड नहीं हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो एक कोने में चल रहा है इट्स नॉट एज सिंपल तो वो सब जो आस्पेक्ट्स थे वो कवर करने में कुछ एस्पेक्ट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा और इसलिए वो जो अभी दादा कह रहे थे कि दो तीन और फिल्में इनको बनानी हैं तो वो सब मुद्दे आने भी चाहिए बहुत ज़रूरी हैं लेकिन हमने चयन किया और कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को टच करें लेकिन कुछ तो रह ही जाएंगे क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें तो इनकी जो क्रुएलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो दो घंटे की में आप चाहे तो भी समावेश नहीं मतलब हमने फिल्म में बोलने के लिए मजबूर हुआ डायलॉग है हमारी कि ये कहे का कॉम्बिनेशन गरीब गरीब को मारेगा गरीब गरीब को रेप करेगा ये कहे का कॉम्बिनेशन कहीं तो नहीं पढ़ा मैंने ना दास कैपिटल में है ना एंटी डायरिंग में है ये फिल्म कई लेयर्स पे चलती हुई मतलब दिखती है जहाँ तक ट्रेलर हमने देखा है एक लेयर तो यह है कि वामपंथी विचारधारा लोगों में उन्माद कैसे भरती है कि आप दीन दुनिया सब त्याग करके और चाहे आपको ब्लैकमेल किया जाए आपको डर दिखाया जाए या आप एक्चुअली मोटिवेटेड हो आपको सही में लगने लगे कि स्टेट जो है तुम्हारा दुश्मन है और तुम गरीब हो दूसरा एक हम लेयर देखते हैं कि एक राजनीतिक मतलब तबका पूरा है जो मरने वालों की केवल संख्या गिनाता है इतने मर गए माल्यार्पण कर दिया उसके बाद कोई एक्चुअल बहुत कुछ होता दिखता नहीं हालांकि इस गवर्नमेंट ने राजनाथ सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में जो नक्सल इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्स थे उसको बहुत कंटेन किया बहुत छोटा कर दिया पहले तो पूरा रेड कॉरिडोर हुआ करता था लेकिन वही है कि आप पचपन साल का दिखा रहे हैं तो वहाँ पर वो एक पोलिटिकल एपथी जो है वो दिखती है तीसरा लेयर जो है वो है उन अर्धसैनिक बलों का जिनके साथी मरते हैं और उनके हाथ बंधे हुए जैसे कि आपने बोला कि वो कैरेक्टर कॉल कर रही है और बोला जा रहे भेज देंगे आएगा इस तरह से एक और लेयर दिखता है उन पीड़ित नागरिकों का जो सफ़र करते हैं उन माँओं का जो जानती हैं कि उनके जो बच्चे हों उनका कोई भविष्य नहीं है उनको या तो वही आर्म रिवेलियन में हिस्सा बनना पड़ेगा या फिर सेक्स बनो या जो भी करो ये इन चारों पांचों चीजों को लेकर के चलने में चुनौतियां किस किस तरह की चैलेंजे एज ए डायरेक्टर आपको क्या क्या झेलना पड़ा है। नहीं चैलेंजेस जैसे आपने बोला कि कभी कई सारे लेयरों में है एक तो अपना चैलेंज खुद के साथ है क्योंकि मैं कितना हद तक सच को बोल पाऊंगा और जैसे इस तरह की फिल्मों में जैसे केरल स्टोरी में हुआ आ, ये आधा की कैरेक्टर ब्लू कलर की साड़ी क्यों पहने ग्रीन क्यों नहीं पहने मतलब इनका कुछ खोट है मन में मतलब ये फिल्म खराब है झूठ है मतलब ये जो ये जो बायनाकुलर से देखने की जो कल्चर है जब हम आपकी स्वार्थ को आहत करेंगे तब आप, आप मुझे डिसक्रेडिट करेंगे तो एक तो है कि खुद के साथ ही एक चैलेंज है कि कितना हद तक उस सच को खुलेदा जाए और बोला जाए दूसरा उस सच को सपोर्ट करने के लिए कितने एविडेंसेस मेरे सामने हैं जो मैं तो कन्विन्स्ड हूँ लेकिन आप कन्विंस्ड होंगे कि नहीं अजीत जी उसके लिए भी मुझे लड़ाई करना पड़ेगा तो जब हमने ये सब इकट्ठा किए स्क्रिप्ट बनाए तो उसमें अभी जो लड़ाई चल रहा है सेंसर बोर्ड के साथ तो चैलेंजेस एक जगह पे नहीं है स्क्रिप्ट लिखना उसको रियलिटी में लाना उसको दर्शकों के लिए आ, 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 प्लेस के एक बुके एक, 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 बनाने के लिए उसमें पर्याप्त कंटेंट है कि नहीं और वो कंटेंट सेंसर बोर्ड को खुश कर पाएगी कि नहीं ये हर स्टेजेस में ये लड़ाई है जो लड़ाई नहीं है वो हमारी जो ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी है कैमरामैन एडिटर साउंड इंजीनियर जहाँ पे हम लोग एक मोटिवेटेड रेजिमेंटेड टीम की तरह काम किए केरल स्टोरी में भी इस फिल्म में भी जो एक हमारे लिए कॉन्सोलेशन है अदरवाइज लड़ाई अभी भी चल रहा है पंद्रह तारीख Uh, फिल्म रिलीज होगा आज भी हमें सेंसर uh, सर्टिफिकेट नहीं मिला uh -huh. तो ये एक अलग लड़ाई है एक वही सिस्टम जो पचहत्तर साल से हमारे देश को चेस करते आई हुई है वही लेफ्ट लेफ्ट इस्लाम लेफ्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जिसकी तहत मुझे इसको गुस्सा नहीं दिला सकते उसको उसकी इमोशन को टच नहीं कर सकते हर जगह पे आप ये शॉर्टकट दो माओइस्टों को जैसे हमारी फिल्म में वो है कि एक तरफ की बंदूक छीन लेते हैं आप कानून के नाम पे देश की शांति के नाम पे आप माओइस्टों के हाथ में बारह हजार बंदूक जंगल में हैं लेके घूम रहा है मैं बंदूक उठाऊं तो उनकी प्रॉब्लम है इनके खिलाफ वैसे ही ये लोग वायलेंस करें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम है कि अरे ये वायलेंस किसी को अजीत जी को आहत तो नहीं करेगा अदाजी ऐसी फिल्में जीवन में क्या परिवर्तन लाती है स्क्रीन पे तो रोल करने के लिए आप तैयार रहोगे बहुत सारे मतलब एक्टर होते हैं जो उनको दे दिया गया एंड दे आर रेडी टू डू इट लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स इतने मुझे लगता है कि गंभीर होते हैं और यदि एज एन आर्टिस्ट आप उसमें अधिक इन्वॉल्व हो जाते हो तो या आपके जीवन के भी साथ जो है कुछ छेड़छाड़ जो है करने लगता है साइकोलॉजिकल लेवल पे तो ऐसे पात्रों को निभाने चाहे शालिनी का हो या निर्जा का हो और फिर आप आपने एक्शन फिल्म भी जो कमांडो में सब किया है तो ये सब करने में आपके जीवन का आउटलुक कितना मतलब वृहद होता है कितना विस्तार पाता है जब आप इस तरह की कहानियों में घुसते हैं पहले तो मैं एक्ट्रेस हूँ मैं इंडस्ट्री से आउटसाइडर हूँ तो पहले चैलेंज है फिल्म मिलना जहाँ पे रोल अच्छा है बिकॉज आई फील लाइक कभी कभी मैं फिल्म में मैंने की है एंड आई वॉच एंड आई फेल कि मेरा पोटेंशियल इतना है मुझे यूटिलाइज mm -hmm. नहीं किया गया तो उसका दुख तो इसके दुख से कहीं ज़्यादा है बिकॉज यू फील सो डिसअपॉइंटेड और यू फील कि मैं इतना कर पाती थी बट ऑफकोर्स रोल्स लाइक जैसे शालिनी और निक्रष्णन का था जो uh, uh, वो पूरा एक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लिविंग समबड़ी एल्स इज़ लाइफ एक पूरी ऑटोबायोग्राफी जैसे मुझे लगी uh, करने में भी एंड ऑफकोर्स वो मेंटली अफेक्ट करेगा पर करना भी चाहिए ना अब ऐसे फिल्म अगर करोगे ओनिये से कि नहीं अफेक्ट ही नहीं हुआ तो कैसे बट हो रहा है लड़कियों के साथ हम लोग मिले रियल लाइफ लड़कियों से एंड जब वो अपनी कहानियाँ बताती है तो ऑफ़कोर्स मेरे मन में वो ऑलवेज रहेगा मैं कैसे इरेज करूँ और क्यों इरेज करूँ जब बस्तर की शूटिंग कर रहे थे मैं उन लड़कियों से मिली थी जो कुछ लड़कियाँ पहले नक्सली थी एंड उसके बाद वो लोग ये साइड पे आ गए एंड सी आर बने उनकी कहानियाँ वो बता रहे थे जैसे वो तो मेरे मन से कभी नहीं जाएगा वो दो दो दिन के लिए फीसद मैं बाथरूम नहीं जा पाई मैं वो पेड़ के पीछे थी uh -huh. तो मैं कैसे भूल सकती हूँ जब मुझे पता है कि मैं इतनी प्रवलस्ड हूँ कि आई फील कि ओके okay, दो घंटे हो गए मुझे बाथरूम जाना है ऐसे वी डोंट रियलाइज़ हम डे टू डे लाइफ में तो आई थिंक ऐसी मूवीज़ देखना जरूरी है करना एज एन एक्टर ऑफ कोर्स ज़रूरी है uh, मुझे आई होप एक अच्छा इंसान uh, बन पाई हूँ करने से एंड शायद मोर ग्रेटफुल

आई आई होप देखे बिकॉज ऐसी फिल्म आप देखोगे तो इट डेंज योर लाइफ इवन वाई वॉचिंग बस्तर मैंने किया एंड आई नो मेरा ट्रैप किया था एनऑल पर मैंने पूरी फिल्म जब देखी आई फेल ओ माई गॉड ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता था कि यू you नो know, ये लोग ऐसे मिक्स करेंगे एनऑल पूरा इफेक्ट वो फुल फिल्म का आई थिंक डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग है डेफिनेटली एंड वो चेंज होना चाहिए आपकी कंट्री में हो रहा है mm -hmm. विपुल जी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मतलब अपना पॉडकास्ट जो है रिकॉर्ड किया है भटके हुई युवा करके उसमें आ, सावरकर पे भी और बस्तर पे भी चर्चा हो रही थी उसमें एक बात जो आ, हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले दस वर्षों में नॉर्मली हमने दस वर्षों ने उसके पीछे दस वर्ष चले जाएं यूपीए के शासनकाल में उसके पीछे वापस वाजपेयी जी में जाएँ तो वाजपेयी जी के टाइम में एक चला था एल टाइप की फिल्में नेशनलिस्ट टाइप की बन रही थी फिर वो ख़त्म हो जाता है अचानक से यूपी के यूपीए के आते वहाँ पे फिर फिल्म मेकिंग बदलती है फिर मोदी जी के शासनकाल में आने को उसके बाद फिर एक फिल्मों का दौर चलता है तो फिर उस चर्चा से ये निकल के आया कि नहीं पॉलिटिकल विचारधारा के साथ कुछ लोग अलाइन करना चाहते हैं और वो पहले हो रहा था लेकिन अभी क्या हो रहा है कि केवल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है जो कंड्यूसिव है ऐसी फिल्मों के लिए बल्कि संभवतः लोग भी देखना चाहते हैं इस तरह की फिल्मों को जो अनटच्ड है ऐसी स्टोरी कहीं ना कहीं है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है तो इस पर आप थोड़ा सा मतलब बताइए कि ये कमर्शियली भी आपके लिए वायबल है आप कंसर्नड हैं इसको लेकर के या आपको लगता है कि नहीं मुझे कहानी ही करनी है इसका दोनों एस्पेक्ट कमर्शियल भी है या फिर आर्टिस्टिक ही है इसका केरला स्टोरी से पहले मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी सक्सेस इस फिल्म को मिलेगी जब मुझे एक कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये फ़िल्म बनाऊं। इस सच को तो मुझे देश के सामने लाना ही पड़ेगा तो उस वक्त ना कोई स्टूडियो मेरे साथ आया ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारी फ़िल्म को टच किया तो हमने अपना ऑफिस गिरवे रख के पैसे उठाए बैंक से और फिल्म बनाई क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि एक जुनून सवार हो गया था कि ये फिल्म तो लोगों को ये सब तो दिखाना ही पड़ेगा और मैं जब केरला की उन लड़कियों से मिला तो मुझे एक विचार आया कि अगर मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं क्या करूँगा या मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो मैं क्या करूँगा मैं शायद जान ले लूँ किसी की तो वो जो गुस्सा था वो कही कहीं ना कहीं रिलीज़ होना ज़रूरी था तो मैंने कहा जो हो जाए घर बिक जाए तो चलेगा लेकिन ये फिल्म बनाऊँगा फिर अब ये फिल्म बनाई तो फिर वही है ना कोई स्टूडियो हमारे साथ आना चाहता है ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ तो हम ही खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खैर केरला स्टोरी में सक्सेस इतनी बड़ी हो गई कि फिर लोगों को लगने लगा कि अरे ये तो एक कमर्शियली बहुत बड़ा जैकपॉट है और लो बजट में बनाओ और बहुत पैसे कमाओ ऐसा हर फिल्म के साथ होता है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है रिस्क इस फिल्म पे भी उतना ही है हो सकता है कि ये फिल्म ना चले किसी भी वजह से और नहीं चलेगी तो पूरा का पूरा नुकसान हमारा ही होगा क्योंकि कोई और तो है नहीं जो फाइनेंशियली हमारे साथ इसमें जुड़ा हुआ है लेकिन एक चीज़ मुझे जब इसकी मैंने कहानी सुनी और जब मैंने दादा ने जो रिसर्च दिया उसके बाद मैंने जो की मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे देखिए हम सब जानते हैं कि 76 जवान मारे गए थे लेकिन जेएनयू में सेलिब्रेशन होता है उस बात का मैं सोच रहा था कि ये 16 17 18 साल के बच्चों को क्या हुआ होगा ऐसा उनकी जिंदगी में आर्मी ने क्या उनके साथ किया होगा जो उनको एक जवानों की मौत पे इतना सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है थोड़ा सा और अध्ययन किया तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यंगस्टर्स जब हम सब यंगस्टर्स होते हैं तो हम सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं हमारी चाह होती है कि सिस्टम हमारे लिए और भी कुछ करे रस्ते अच्छे बना दे ये करे वो करे वो हजार चीजें होती है और कोई भी गवर्नमेंट हो हम उससे नाराज होते हैं उस उस माइंडसेट को बहुत बुरी तरह से कन्वर्ट किया जाता है इनटू दिस सो कॉल्ड लिबरल्स और ये वो बच्चे हैं जो बिना सोचे उसमें कूद गए और वो उसका हिस्सा बनते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि ये जो कॉलेज के जो सत्रह अठारह साल के लेफ़्ट लिबरल्स होते हैं वो तेईस चौबीस की उम्र तक आते आते नॉर्मल हो जाते हैं उनको रियलाइज़ हो जाता है कि दुनिया थोड़ी ऐसी नहीं है जैसी मुझे दिखाई गई तो ये सारा जो मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि ये फिल्में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे देश के लिए भी और हमारे अब मैं मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म भारत के युवा इसलिए देखें क्योंकि अगली बार जब कोई उन्हें आके ये एक लिबरल गुट्टी पिलाने की कोशिश करे तो उनके पास एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो जो अब तक नहीं था एक एनवायरनमेंट एनवायरमेंट है आप देखिए ताजुब की बात एक नैरेटिव बिल्ड यह हुआ किया गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा मर रहा है है ना <laughs> लेकिन हमारी फिल्म दो स्टेट में नहीं दिखाई गई केरला स्टोरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद थिएटर ओनर्स को धमकियां देके फिल्म को नहीं चलने दिया गया वो दो स्टेट हैं जो डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन है।, है ना बंगाल और तमिलनाडु तो एक्चुअली में अगर आप देखें प्रकाश झा जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा कि वो जब राजनीति नाम की फिल्म बना रहे थे तो उनको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था क्योंकि उनको शक था कि कैटरीना कैव का कैरेक्टर जो है वो सोनिया गांधी जी के ऊपर बेस्ड है <laughs> आज की तारीख में मैं ऐसी फिल्में बना सकता हूँ सेंसर एक ड्यू प्रोसेस से गुजरता है मैं सुदीप्तो जी का पॉइंट समझता हूँ लेकिन सेंसर आज हमसे हर चीज का एविडेंस मांगता है कि अगर आप कह रहे हो सच है हमें पेपर दीजिए अगर आप एविडेंस देंगे तो हम आपकी फिल्म को क्लियर करेंगे हमने सारे एविडेंसेस दे दिए हैं तो सेंसर इस फिल्म को भी क्लियर करेगा मैं उस प्रोसेस की इज्जत करता हूं कि आप चलो एविडेंस लेके ही सही लाके ना आप मुझे फिल्म बना के दिखाने की पूरी आज़ादी आज की तारीख में है जो उस वक्त नहीं थी जो सो कॉल्ड लिबरल फेस था तो ये जो एक दोहरा चरित्र है ना उसकी भी एक उस ये भी एक रीज़न है कि आज इस टाइप की फिल्में ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मैं बनाऊंगा तो फिल्म फंसेगी नहीं रिलीज़ होगी और ढंग से रिलीज़ होगी काट पीट के फिल्म का सत्यानाश नहीं कर दिया जाएगा और उसी कड़ी को जब आप ऐसी फिल्में बनाना शुरू करते हैं तो ऑडियंस सडनली जागता है कि ये किस टाइप का सिनेमा है ये तो कभी भारत में बनता नहीं था तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है पावरफुल है और मुझे अपील करता है एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो जाता है कि मुझे ये सिनेमा देखना है तो ये एक ओवरऑल सिस्टमिक चेंज भी है और मैं ऐसा मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आने से एक्चुअली पिछले दस सालों में हम सब मजबूत फील करते हैं कि हम ऐसी फिल्में बना सकते हैं और ऑडियंस भी फील करता है कि अगर ऐसी फ़िल्में बन रही है तो देखनी ही चाहिए चलिए सर आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमें उसके लिए आभार और आशा है कि सर्टिफिकेट मिल जाए आपकी फिल्म को और पंद्रह को रिलीज हो और मैं जैसे कि मैंने केरल स्टोरी में किया कश्मीर फाइल्स में किया मैं अपने दर्शकों की तरफ से कम से कम सौ दो सौ टिकट स्पॉन्सर करूँगा थैंक so यू सो मतलब इतना देता हूँ आप so लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार थैंक यू सो मच थैंक यू एंड इतना बोल सकते हैं आपको निराश नहीं करेगा ये फिल्म